हेलो जुडिशियल सर्विस आज प्रिंस जुडिशियल ड्रीम के कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है आज हम सीपीसी पढ़ेंगे इसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एटेमोलॉजिकली रेसब्जुडिस क्या है ये देखते हैं जो वर्ड रेस है उसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट कॉमोडिटी अ थिंग या फिर अ मैटर वैसे ही सब सब्जुडिस का मतलब जैसे आप जानते हैं समथिंग विच इज़ पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ किंग जुडिशियल एडजुटिकेशन तो जब हम कलेक्टिवली इस फ्रेज को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जब कोई मैटर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है और विचाराधीन है न्यायालय के सामने कोई भी मुद्दा अब हम ये देखते हैं कि सी पी सी कैसे रेस्प जुडिश की जो डॉक्टरी है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है और क्यों करता है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे यहां पर हमारे पास एक मिस्टर ए हैं जिनके पास एक रिजॉर्ट है ये बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है काफी एकर्स में फैला हुआ है कुछ हिस्सा इस रिजॉर्ट का एक कोर्ट की ज्यू एक कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरशन में फॉल करता है एंड द अदर पार्ट फॉल्स इन टेरिटोरियल दूर ऑफ अनदर कोर्ट इन कोर्ट्स को हम यहाँ पर कोर्ट नंबर वन कोर्ट नंबर टू सी वन सी टू बोलेंगे मिस्टर ए सू कर रहे हैं मिस्टर बी को फॉर द रेंट ड्यू उन्होंने अपना ये जो रिजॉर्ट है ये लेट आउट किया था मिस्टर बी को मिस्टर बी ने इसका रेंट अभी पे नहीं किया तो मिस्टर ए के पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है अब मिस्टर ए क्या करते हैं वो फर्स्ट जनवरी 2020 को सी वन में मिस्टर बी के खिलाफ एक सूट फाइल करते हैं फॉर दी रेंट ड्यू वैसे ही वो सेक्शन 17 का फायदा उठाते हुए सीपीसी का जो अलाउ करता है कि यू कैन फाइल अ सिविल कोर्ट इन आइदर जूसडिक्शन जहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल करती है डिफरेंट जूसडिक्शन में वो इसका मिस यूज़ करते हुए कोर्ट नंबर टू में भी एक सिविल सूट फाइल कर देते हैं मिस्टर बी के खिलाफ ऑन सेकेंड जनवरी 2020 अब यहाँ पर मिस्टर ए ने जो मिस यूज ऑफ लॉ किया है उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट आपके ओवरबर्डन होंगे आप एक ही मैटर को जहाँ पर पार्टी सेम है कॉज ऑफ एक्शन सेम है रिलीफ सेम है मैटर इन इशू क्या मुद्दा है जो डिसाइड करना है वो सेम है आपने दो सूट फाइल कर दिए हैं बेवजह तो कोर्ट्स ओवरबर्डन होंगे तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वैसे ही आपने मिस्टर बी को हार्डशिप कॉज करने के लिए उनको दूसरे डिफरेंट कोर्ट्स के चक्कर लगाने के लिए दो सूट फाइल कर दिए हैं तो ये प्राइवेट पॉलिसी के अगेंस्ट भी है एंड तीसरी चीज ये मिस्टर ए के अगेंस्ट भी चीज हो सकती है यहाँ पर वो कैसे वो ऐसे कि शायद कोर्ट वन उनके फेवर में रिलीफ दे दे कोर्ट वन ये डिसीजन दे दे कि हाँ रेंट ड्यू है मिस्टर बी को रेंट देना पड़ेगा मिस्टर ए को लेकिन शायद कोर्ट नंबर टू ये बोल दे कि कोई रेंट ड्यू नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्टी डिसीजनस भी आ सकते हैं ऐसे सिनारीयों में जहाँ पर हम सेम चीज़ के लिए दो कोर्ट्स में सूट फाइल करते हैं तो ऐसी सारी सिचुएशन को ऐसी सारी हार्डशिप्स को पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी डिफीट हो इस चीज़ के लिए लेजिस्लेचर ने डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडिस को इनकॉर्पोरेट किया है सेक्शन टेन में सी में आप अपनी बेरक सेक्शन टेन सी रीड कीजिए सेक्शन टेन सी में कंडीशन ले डाउन की है बिफोर यू अप्लाई डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडिस वही यहाँ पर आपके सामने डाइसेक्ट करके लिखी है और इससे हम अपने एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो पहली कंडीशन है दे मस्ट बी टू सूट्स हमारे एग्जाम्पल में भी दो सूट हैं मिस्टर ए ने जो डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल किए हैं एंड दन सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द अदर तो एक सूट दूसरे से पहले फाइल हुआ होना चाहिए कोर्ट में हमारे एग्जाम्पल में भी ऐसा ही हुआ है एक फर्स्ट जनवरी को हुआ और एक सेकेंड जनवरी को हुआ क्योंकि जब ऐसा होगा तभी एक सूट फॉर्मर सूट कहलाएगा और दूसरा सूट सब्सिक्वेंट सूट कहलाएगा अब दोनों सूट्स में जो मैटर इन इशू है द मैटर इन इशू विच इज़ डायरेक्टली

डायरेक्टली अनसब्सटेंशन इन इशू है वो दोनों ही सूट्स में सेम होना चाहिए तो हमारे सूट्स में हमारे एग्जाम्पल में ऐसा ही है दोनों में जो रेंट का मुद्दा है वो डायरेक्टली एंड इन इशू तो है ही है लेकिन वो दोनों में सेम है तो ये कंडीशन भी फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी है बिफोर यू इन वोक डॉक्टर एन ऑफ्रेस सब जोडिस इसके बाद जो सूट है डैट शुड बी कंटेस्टेड बिटवीन द सेम पार्टीज तो हमारे एग्जाम्पल में भी ए और बी ही दोनों केसेस में सूट को कंटेस्ट कर रही हैं इसके बाद जो आप सबसेक्वेंट सूट फाइल कर रहे हैं वो या तो उसी कोर्ट में फाइल कर रहे हैं जहां आपने पहला सूट अपना फाइल किया था या फिर आप किसी डिफरेंट कोर्ट एनी इंडियन कोर्ट इंडियन कोर्ट का मतलब इज इज इन इंडिया एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप उसमें फाइल कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने ऑल दो सेम कोर्ट में सेकेंड सबसेक्वेंट सूट फाइल नहीं किया उन्होंने सी टू मतलब C1 में नहीं C2 में फाइल किया तो यहाँ भी कंडीशन ऑफ सेक्शन टेन फुलफिल हो रही है या तो आप सेम कोर्ट में फाइल करते हैं या फिर एनी अदर इंडियन कोर्ट में अब जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि जो पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं सूट दे मज़ भी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल अब सेम टाइटल का मतलब पिछले लेक्चर में एक बार बताया था फिर से बता देते हैं कि किस कैपेसिटी में आप सूट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ए की कैपेसिटी है वो एज अ ओनर फाइल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और दोनों ही जो सूट्स हैं उसमें दोनों में ही ए एज एन ओनर फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल ऐसा नहीं है कि वो एक केस में तो एज अ ओनर ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल फाइल कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरा मैं इसका ओनर हूँ एंड सेकेंड सूट में वो वो सूट फाइल कर रहे हैं कि एडवर्स पोजिशन मेरा है तो इसलिए मैं रेंट मांगना चाहता हूँ या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मेरा है इसलिए मैं रेंट मांगना चाहता हूँ अपने टेनेंट से वो दोनों केसेस में ही अपनी ओनरशिप के बलबूते पे एज अ लैंड अपने टेनेंट से रेंट मांग रहे हैं तो दी टाइटल अंडर विच द पार्टीज लिटिगेट इट मस्ट बी सेम इन बोथ द सूट्स तो अगर टाइटल सेम है पार्टीज सेम हैं अगर आपके जो कोर्ट हैं दोनों वो इंडियन कोर्ट्स हैं सेम कोर्ट भी हो सकता है या एनी अदर इंडियन कोर्ट हो सकता है सूट्स दो हैं जहाँ पर एक पहले फाइल हुआ है एक बाद में हुआ है और फिर जो मैटर्न इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैशली सेम है दोनों सूट्स में तब उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट सब्जुडिस अप्लाई होगी और जो सेकेंड सूट है जो सब्सिक्वेंट सूट है उसका ट्रायल बार हो जाएगा फॉर द टाइमिंग स्टे लग जाएगा उस पर याद रखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट पर बार नहीं लगती आप अपना कोट जरूर अपना सूट ज़रूर दायर कर सकते हैं कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं लेकिन उस पर अगर आगे हेयरिंग्स नहीं होंगी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिपजुडिस लग चुकी है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से कोई दिक्कत नहीं है कोर्ट के पास इनहेरेंट जो है वो सूट को तो अलाउ कर सकती हैं लेकिन फर्दर उसको प्रोसीड नहीं करेंगी जब उन्हें यह पता लग चुका है कि एक सिमिलर सूट पहले ही एक कम्पिटेंट कोर्ट में दर्ज हो चुका है और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्पिस लग चुकी है अगर वो ऐसा कर देते हैं फिर भी फॉर एग्जाम्पल पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया डिफेंडेंट ने या फिर कोर्ट को खुद से भी पता लग चुका है लेकिन स्टिल द कोर्ट मूव्स फर्दर विद द प्रोसीडिंग्स और वो उसमें डिक्री पास कर देते हैं तो ऐसी डिग्री डिग्री ऑफ नॉलिटी नहीं होगी ये ज़रूर इरेगुलर डिग्री होगी आप इसे अपील में चैलेंज कर सकते हैं लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है उसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये खाली इरेगुलर डिग्री है प्रोसीजर की वायलेशन हुई है लेकिन जहाँ पर डिक्री ऑफ नलिटी होती है जैसे कि किसी कोर्ट ने जिसके पास जो थी ही नहीं उस केस को इवन इंस्टीट्यूट करने की और वो इंस्टीट्यूट करके उसकी हेरिंग भी कर लेता है तो वहाँ पर ऐसे केसेस में डिक्री ऑफ नलिटी पास होती है और ऐसी डिक्री को इवन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी चैलेंज किया जा सकता है तो अ डिक्री विच इज़ इवन पास्ड बाय बाईपासिंग डॉक्टर ऑफ रेस सब जोडिस वो डिक्री ऑफ नालिटी तो नहीं कहलाएगी वो ज़रूर इरेगुलर डिक्री है उसको आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं वरना अदरवाइज अगर आपने अपील में चैलेंज नहीं किया और कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसा माना जाएगा आपने जो आपका ऑब्जेक्शन एक बनता था उसको वेव ऑफ कर दिया तो अब डिक्री जो है वो क्योरेबल डिक्री बन जाएगी और बिल्कुल वैलिड डिक्री की तरह ही ऑपरेट करेगी एग्जीक्यूट भी हो जाएगी एग्जीक्यूशन में जाकर आप कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करवा सकते उसमें इस ग्राउंड पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ़ रेस लगना चाहिए था कैसे आपने फर्दर प्रोसीड करके डिक्री दे दी तो ये था आपका लेक्चर डॉक्टर इन ऑफ़ रेस सेब्जूडिस पर इसी टॉपिक पर आपको मॉडल आंसर की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज करके ब्रॉशर को रीड करके मॉकटा सीरीज के लिए इनरोल करवा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं